हेलो दोस्तों, मैं निर्भास बात करता हूँ आपके अपने परिवार टीचर सेटअप पे। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब यानी कि जो नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि का स्पेशल ऑफर है 799। जी हाँ, 799 रुपये में आप घर बैठे आप सभी स्टडी मटेरियल पा सकते हैं आसानी से, ई बुक वगैरह ये सब। चाहे सुपर टेट की क्लास है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं, CTET की कर रहे हैं, सबके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय सही तरीके से व्यतीत हो, क्योंकि घर में ही रहना है, कोरोना चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई पैक लेना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। बाकी आपका मन, चलते हैं आगे। क्योंकि घर पर रह रहा है तो क्या करना है, खुद रहे सुरक्षित और दूसरों को रखे भी सुरक्षित। क्या करें क्या ना करें आपके सामने है। बार बार हाथ धोए, छींकते खांसते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू रुमाल से रखें। प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें, ठीक है। भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर जाने से बचे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती तो इन दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे आज हम आपके सामने टॉप 15 MCQ जो लेके आए हैं वो मिक्स हैं। अपने आप में मिक्स का मतलब क्या है, सब आपका मिक्स है। उसको जब पढ़ोगे तो हाँ, ये जरूर लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न के पहले जो है वो कोरोना वायरस आ गया है और यहाँ पे एक डिस्काउंट भी आ गया है। तो आपको लगता है कि चीजें यानी कि होनी चाहिए, तो डिस्काउंट भी चल रहा है, तो भाई डिस्काउंट भी ले लीजिए, है ना। ये हमारा डिस्काउंट है, कोई पैक लेते हैं तो Y221 कोड का अप्लाई कर सकते हैं और आराम से आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे नवरात्र चल रहे हैं, शाम का है तो संध्या है, भजन भी कर रहे होंगे। तो जय माता दी करता जाऊं शाम सवेरे, माता तुमने मिटा दिए मेरे जीवन के सभी अंधेरे। उम्मीद करेंगे कि सबके जीवन में इस समय जो भी समस्याएं आए हैं वे जल्दी से जल्दी दूर होंगी, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अनंत भारत एक बार फिर से आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड यानी कि रक्त को क्लॉट यानी थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन है, ई है, के है, डी है या सी है। सही से ऑप्शन चुनिएगा। मुझे लगता है पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसी कारण आपके सामने एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है। अगर आपको लगता है कि घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोड को अप्लाई करिए, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत अपन की नासाज है, इस वजह से थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, पर मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की क्लास में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने चूज़ किए हैं। अगर हम लोग बात करें तो विटामिन जो डी है वो आपको अच्छे से पता है। विटामिन डी जो होता है, इससे आपको रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और ये सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह सवेरे शाम जो है नहावा के आप धूप में हो सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। विटामिन सी के बारे में बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये आपके जो भी साइट्रस फूड है यानी कि ठंडे जो भी आपके खट्टे फल है उनमें पाया जाता है। विटामिन ई जो है जनन क्षमता के लिए होता है और इसका आंसर होगा विटामिन के, जो कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी कि आप लोगों का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट सॉरी आंसर, ठीक है। मिनी माता रोग किसके माध्यम से, जल के मैलापन से फैलता है, ठीक है। किसके माध्यम से फैलता है, जल के गंदा होने की वजह से। तो होता क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं या जो उद्योग जगत है वहां से निकलने वाला गंदा पानी, वहां से जो भी गंदा पानी निकलता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रीज से सब डिजॉल्व होता जाता है और वो घुलता जाता है, घुलता जाता है, इसकी वजह से भी सॉरी फैलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा, इसका आंसर पारा होगा, ठीक है। इसका आंसर पारा होगा। आप देख सकते हैं कि तबीयत खराब है, फिर भी आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको क्लास मिलेगी तो आप घर में रहोगे, घर में से बाहर नहीं जाओगे, है ना, नहीं तो आपका मन भटकेगा। तो कहने का मतलब है ये एक क्लास पता नहीं कितने लोगों को आपको घर में रोक सकती है। इस वजह से मतलब जो मोदी जी का है या प्रधानमंत्री का है या सभी लोग का है कि सभी सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी सेवा कर ही रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी घर में रहें, ठीक है, जब तक का हालात सही ना हो जाए। अब ये पारा कैसे क्या निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये आपका इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से जो है पारा यहाँ से यानी कि जो है ये निकला, ये पानी है, इस पानी में मिक्स हो गया। अब जो मछलियाँ हैं इस मछलियों के आपके अंदर आ गया। अब जब ये मछलियों को हम लोगों ने खाया तो उस मछलियों के अंतर्गत हमारे बॉडी में चला गया और धीरे धीरे यहाँ का जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन को जाके डिजॉल्व कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है।
जी हाँ, तो अब यहाँ पर होता क्या है, इससे क्या बच सकते हैं, तो कोशिश हमें करना चाहिए कि जहाँ पे उद्योग हो या इस तरीके से हो, वहाँ पर अगर मछलियाँ उछलियाँ हैं तो वहाँ पर जो भी लोग खा रहे हो या गंदी जगह में, तो उनको हम कहें भाई यहाँ की मछली उछली मत खाओ, यहाँ की मछलियों में दिक्कत है ना। आगे ऑल स्टडी मटेरियल जो है वो अंडर ₹799 यानी ₹799 में है। तो अगर आपको लगता है तो store.adda247.com पे जाना है और आपको जो पैक समझ में आए उस पैक को आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए लाभदायक है। घर बैठे करिए तैयारी, अड्डा की जिम्मेदारी। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किन देशों की मुद्रा जो होती है प्राय हार्ड करेंसी होती है। हाँ जी, किन देशों की होती है? विकासशील है, गरीब है, विकसित है या शक्तिशाली देश है, तो किन देशों की होती है? तो ये आपका आंसर होगा तीसरे का सी, तीसरे का आंसर होगा सी, यानी विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो आपकी कैसी होती है, तो वो हार्ड करेंसी होती है, ठीक है। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है, जबकि विशाल देशों की मुद्रा क्या होती है? सॉफ्ट करेंसी होती है। ये हार्ड सॉफ्ट हम आपको बताएंगे। हार्ड का मतलब क्या होता है? जिनका जैसे कि वीटो पावर 11, एक प्रकार से आप समझो कि कुछ ऐसे देश है जिनको यानी कि वीटो पावर प्राप्त है। अब सभी वो विकसित नहीं है, जैसे चीन को है, तो चीन को जिस जो काम किया चीन ने, इस काम को देखते हुए चीन से वीटो पावर हमको छीन लेना चाहिए, बहुत दुष्ट टाइप का है कि नहीं। तो तीसरे का आंसर आपका सी होगा, थर्ड क्वेश्चन का नंबर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किन राज्यों में पेसा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार वाला जो है, ठीक है, हाँ, अधिनियम 1996 जो है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब लागू नहीं होता है, किन में लागू नहीं होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब पढ़िए जरा, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या? नहीं, ये क्या लिखा है? नहीं। तो मुझे लगता है नहीं को नहीं सही ढंग से आपको पढ़ना चाहिए, और जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्या होगा फोर्थ का आंसर, जल्दी से बोलो। तो फोर्थ का आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, ए होगा। क्या होगा? ए, यानी कि असम हो गया, मेघालय हो गया, तमिलनाडु, ठीक है, इन राज्यों में आपको क्या नहीं है, तो ये आपकी परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो चौथे का जो सही जवाब होता है वो ए होता है, चौथे क्वेश्चन का सही जवाब ए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। बिजली कर है, निगम कर है, सेवा कर है, आयकर है, किससे प्राप्त होती है? बिजली है, निगम है, सेवा है, जरा गेस करिए किससे होगी। सब लोग जानते हो भाई, जो आपके घरों में यानी कि जो होता है टैक्स, या उससे कह सकते हैं, यानी कि आपका आंसर होता है निगम कर। क्या होता है? निगम कर से आपको योजना प्राप्त, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है वो यानी कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि निगम टैक्स से आता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो अगर हम लोग बात करें भारतीय रेल कितने जोन में विस्थापित है, 17, 18, 19, तो यहाँ पे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कितने जोन में विस्थापित है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक मंडल और है जो कि आपका मेट्रो वाला है, ठीक है, जो कलकत्ता वाला है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जी हाँ, तो 6 का आंसर आपका ए होगा, 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है, 6 का आंसर क्या होगा? ए। तो भारतीय रेल कितने जोन में है, 17। अगर आपसे पूछा जाए कितने जोन, मतलब जैसे क्षेत्र है, तो 5 अंचल हैं, कितने हैं अंचल? 5 है। 5 अंचल कौन कौन से हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूरब, पश्चिम, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपका हो गया ये वाला, ठीक है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? नहरें हैं, नदी है, वर्षा है, तालाब है, तो सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है भारत में सिंचाई का, है ना। तो अब इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा, आप सोच रहे हो सर नदी है, फिर आप सोच रहे हो वर्षा है, फिर आप सोचते हो तालाब होगा, तो आप में से वर्षा तो बहुत लोग नहीं सोच रहे, वर्षा हो भी नहीं सकता। अब बचा नदी, नहर और तालाब, जरा ध्यान से समझिए,
जो तालाब होते हैं बहुत कम जगह होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते, तालाब से नहीं हो सकता है, तालाब से पानी आप कैसे ले जाओगे, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बचा क्या, नदी और नहर। आपको पता है भारत के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर नदी कम है, जहां पर नदियां नहीं हैं। तो जब भारत के बहुत से हिस्से में नदियां नहीं हैं तो वहां तक जो सिंचाई होगी या पानी होगा वो कैसे जाएगा, आप जरा सोचो। तो वो पानी क्या होता है, नदी से एक यानी कि नहरें निकाली जाती हैं छोटी बड़ी इस तरीके से बम्बा टाइप के, और वो क्या करती है भारत के विभिन्न भागों को सींचती हैं। तो सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का आ चुका है, आप चाहे तो देख सकते हो 2013 में। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो नहरें। एक क्वेश्चन आ रहा है, जब गुलाम वंश समय चल रहा था उसके बाद खिलजी आया था, फिर खिलजी के बाद तुगलक आया था, फिर सैयद आया था लोदी, तो उस समय जो सिंचाई के लिए कर लगता था उस कर का नाम क्या था। जी हमने दवा खाया, थोड़ी सी तबीयत हमें बहुत ज़्यादा है इस वजह से फिर भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कहीं भटको नहीं। तो हाँ, तो बात कर रहे हैं, तो उस समय सिंचाई के लिए कर यूज किया जाता था, क्या कर था जल्दी से बताओ। तो उस समय सिंचाई के लिए कर यूज होता था जिसका नाम था ना सर्व, क्या नाम था, तो सर्व नामक जो था सिंचाई कर आपका यूज होता था, ठीक है। हाँ सर्व, आगे ये यहाँ पे ऑल स्टडी मटेरियल है, अंडर ₹799, 799 रुपया में। अड्डा की जिम्मेदारी है आपके घर बैठे तैयारी की। तो मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर कोई पैक लेना चाहता है तो अड्डा पे आ सकता है। जी हाँ अड्डा पे आइए, और आपको लगता है कोई पैक लेना है तो आप लीजिए, और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y221, ठीक है, ये हमारा कोड है, इस कोड को यूज़ करिए, ठीक है। जी हाँ इस कोड को यूज करेंगे आपका सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, विशाखापत्तनम है, कोची है, मद्रास है, मुंबई है। तो देखो आठवें क्वेश्चन का जवाब आपको क्या पता होगा, समझिए बताइए जल्दी कमेंट करिए। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो आपका कौन सा है, बोलो बोलो, आंध्र प्रदेश में है, इतना बता दिया, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अब बता दो भाई, आंध्र प्रदेश में, तो कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम, कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो आठवें का सही जवाब होता है आपका ए, विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 9 पर, आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। देखो आर्थिक नियोजन के बारे में अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है वही यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। इस समय वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह सरकार के द्वारा नीति आयोग नामक योजना लाई गई है। नीति आयोग का जो कार्यान्वयन हुआ था, इसे नोट करते जाइएगा, ठीक है, हाँ लिख नहीं रहे बोल रहे। नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई, 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले आपका योजना आयोग चल रही थी। योजना आयोग जो थी वो आपकी रशियन शैली पे आधारित थी, रूसी शैली पर, जबकि नीति आयोग है यह चाइनीज कॉन्सेप्ट है यानी चीनी शैली पर आधारित है। अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग में, ठीक है ध्यान सुनिएगा, योजना आयोग में 5-5 साल की योजनाएं बनती हैं, जबकि नीति आयोग में इस तरीके से किसी भी योजना को बनाने का लक्ष्य नहीं है, मतलब टाइम निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें कहा गया बस करते जाओ करते जाओ, तो ये बात मेरे को खराब लगती है। आप ही जरा सोचो, जब आपके सामने समय निर्धारित होता है तो आप दिए गए समय में लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हो। जैसे आपके घर वालों ने कह दिया कि भाई 2 साल हम दे रहे हैं, अगर कुछ कर पाओ तो कर लो, नहीं तो शादी कर देंगे या कुछ कर देंगे, तो आप भी सोचते हैं अब करना पड़ेगा, है ना। तो अब नीति आयोग में ये है ही नहीं, तो अब क्या करें, जबकि योजना आयोग में था ऐसा। तो इस क्वेश्चन का जो 9वें का आंसर जो होता है वो बिल्कुल सही आप लोगों ने चुना है, ये है 1 अप्रैल 1951। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1951 यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951, ठीक है। जी हाँ 5-5 साल में होती है, तो इसको हम पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत सही हो जाने दो। अगर हम लोग बात करें तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पे आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पे आधारित थी, और तीसरी में दोनों का प्रयोग किया गया था। पहली और दूसरी सफल हुई थी,
तीसरी फेल हुई थी। उसके कई कारण होता है। जब कोई इंसान फेल होता है या जब कोई समस्या आती है तो समस्या के आने का रीजन होता है, ऐसे नहीं आ जाती है कि मुंह उठा दिया चल दिया, है ना। तो रीजन होता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे विशालतम और व्यापार जो था आपका वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बताओ भाई कौन सा उद्योग है जो भारत का प्राचीनतम है, सबसे विशाल है। कृषि उद्योग है, रेशमी उद्योग है, या व्यापार है, या सूती वस्त्र उद्योग है। तो आपको लग रहा होगा कि कृषि उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा है, है ना। यही आप टिक भी लगाओगे और यहां पे यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, कृषि में जो होता है यहां पर उद्योग के बारे में बात कर रहा है। कृषि एक व्यवसाय है, कृषि एक व्यवसाय है, कृषि एक उद्योग नहीं है, कृषि एक क्या है, व्यवसाय है, यानी कि हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। व्यापार क्या है, सूती। व्यापार उद्योग क्या है, सूती। पूछो कैसे, देखो उद्योग में हर चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, बात समझो। उद्योग तब आएगा जब आपने उसका रूप चेंज कर दिया। जैसे गेहूं लगा है, गेहूं का आटा होता है, अब उस गेहूं के आटे से आपने बिस्किट बना दिया तो ये उद्योग हो गया, समझे। कपास है, ये कृषि है, लेकिन कपास से आपने धागा तैयार कर दिया, उस धागे से कपड़ा तैयार किया, उस कपड़े से आपने कमीज या सलवार या सूट तैयार किया, ये आपका उद्योग है। बात समझ में आया, तो आप क्लियर है ना कि उद्योग और कृषि में क्या अंतर है। तो सही आंसर होता है आपका डी, सही आंसर होता है डी। मार्कर चेंज कर ले थोड़ा सा, है ना, लाइट वाला ले ले। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि सूती उद्योग, ठीक है। जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, है ना, इतना सारा कर रहे हैं। तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से है, कृषि से है, कच्चे तेल से है, एलपीजी गैस से है। तो यहां पर हम बात करें तो सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है, किससे है, तो सुंदर राजन समिति का संबंध आपका पेट्रोलियम से है, ठीक है, किससे है, पेट्रोलियम से है। आगे, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। रा शब्द कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो। जो राजस्थान है वो भारत का भिन्न हिस्सा है, भारत का राज्य है। अगर हम लोग बात करें रामसर के बारे में, तो रामसर जो शब्द है ये ईरान के एक शहर का नाम है रामसर। आखिर यहां पर रामसर का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि रामसर में एक सम्मेलन हुआ था जहां पर आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड को लेकर हमने प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन को टारगेट किया था। तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगर पेपर में पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जी हाँ, अब 12वें का अगर सही आंसर आप चूज कर रहे होगे तो मुझे पता है कि आप लोगों ने चूज ही कर लिया होगा। बिल्कुल सही कहा, सबसे खारे पानी की सबसे ज्यादा नमक वाली है, बिल्कुल ठीक चुना है आप लोगों ने, और आपका जवाब 100% सही है। जी हाँ, सांभर झील जो है वो आपका रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जरा ध्यान दीजिए, कह रहा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो भाई वह कौन सा देश है जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, भारत है। आपको याद आ रहा होगा कि भारत पर अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज किया, है ना, बहुत समय तक राज किया। तो जब बहुत समय तक भारत पर राज किया तो वो जब ब्रिटिशर्स यानी इंग्लैंड थे, तो उन्होंने भारत से कच्चा माल, समझो, भारत से कच्चा माल, नील की खेती याद आ रहा होगा, है ना। तो भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड भेजते थे और वहां पर उसको रेडी करते थे, फिर वही माल तैयार करके भारत में लाते थे। और उन्होंने इसी को विस्तार करने के लिए भारत में रेलवे का विस्तार किया। रेलवे का विस्तार का मतलब ये होता है, रेलवे का विस्तार का मतलब ये होता है कि उन्होंने रेल लाइनें बिछाई। अगर आपको याद आ रहा हो तो 1853 में, है ना, सबसे पहले दो जगहों के बीच में की गई, जरा कमेंट करो। तो उन्होंने बिछाया किसके लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग का फायदा हुआ, चलो उन्होंने अपने लिए किया,
तो कुछ भी हो लेकिन फायदा तो अपन को हुआ ना। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो आपका जवाब होता है इंग्लैंड। ठीक है, क्या जवाब होगा आपका, इंग्लैंड होगा। कोई डाउट किसी को? और एक बात और बताते हैं, एक समय ऐसा था कि जब इंग्लैंड के शासन काल में मतलब सूर्य कभी डूबता ही नहीं था। मतलब सोचो, इंग्लैंड यानी कि जिसे यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है ब्रिटेन, उसने अपना पांव इतना फैला लिया था कि उसके काल में कभी सूर्य डूबता ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13 का ए। ठीक है, कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है जी हाँ, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, 14वां क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स की है, इंदिरा गांधी की है, चाणक्य की है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में अगर हम बात करें तो ये अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, और इनको 1991 में भारत रत्न भी मिला है। यह दूसरे पुरुष थे जिनको भारत के बाहर यानी कि जो गैर भारतीय हैं उन्हें भारत रत्न मिला। पहले व्यक्ति थे सीमांत गांधी, जिन्हें अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। अगर हम बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य जो है, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। पर सबसे खास बात, अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है लेकिन अर्थशास्त्र से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर संबंध किससे है, दूर दूर से अगर संबंध नहीं है तो? भाई उसमें क्या है, राजनीति के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। जैसा कि आपको पता है, नोट कर लेना अगर ना पता हो, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ी समस्या है इसलिए। इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। इंदिरा गांधी जो थी, आपको अच्छे से पता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यह नेहरू जी की पुत्री थी और इन्हीं के समय में इमरजेंसी भी लगी। इन्हीं के समय में 2 बार भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब पहला क्वेश्चन है 14वें का ए, वो है आपका कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर होता है कार्ल मार्क्स। आप लोगों में बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर लगता है कि अड्डा से आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा मिलता है, तरीका आपको अच्छा है, चीजें समझ में आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोड का यूज करके, इस कोड को यूज करके यानी कि ये वाला कोड यूज करिए और कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं Y221 के साथ। ठीक है जी हाँ, डिस्काउंट प्राप्त होगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष, 60, 4, 5। तो देखो सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि 4 तो होता नहीं। ठीक है, और यहां पे लिखा है 68, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 6 और 5 और 65 और 60, इसमें है। तो हमेशा याद रखिए कि जो अधिकतम होता है वो 65 होता है। कितना होता है? 65 होता है। ठीक है, और 6 होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने सही ऑप्शन चुना है, 15वें का आंसर होगा ए। 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपके अभी तक यानी कि 15 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन में लेकर आ जाया था और आपके कितने नंबर आए हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं लाइव क्लासेस आपकी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इसीलिए आपकी क्लासेस थोड़ी सी कम है, 10-15 मिनट कम होती है, आधे घंटे की रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कंटेंट से लाभ होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो जरूर लिखा करें। अगर आप नहीं लिखोगे तो मेरा मनोबल डाउन होगा, फिर हम ये रिकॉर्डेड भी बंद कर देंगे। ठीक है हाँ, और आपसे जो पूछा जाए, जैसे कि हम हमेशा एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, तो होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बताया करो, कि होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बताया करो। ठीक है, आंसर भी अगर देखोगे तो आपको झटके से दिख जाएगा कहीं ना कहीं इसमें आंसर भी हम लिखे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि होमवर्क का क्वेश्चन देते इसमें आंसर नहीं, कहीं ना कहीं आंसर हमने जरूर लिखा होता है। आपको बताना है 1976 होगा, 1978 होगा, 1956 होगा या 2002 होगा, कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था। अगर आपको लगता है इस प्रश्न का जवाब आपको आता है तो नीचे वीडियो में जाइए, ये सारे आंसर हैं जो अभी हमने 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, वहां पे आप जाइए और कमेंट करिए। ये नवरात्रि स्पेशल है, अगर आपको अभी भी लगता है तो आप जाइए, कोई भी कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, हमारा डिस्काउंट कोड है Y221।
अगर आपको आंसर आता है दिए गए क्वेश्चन का तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है जी हाँ। इससे हमें पता चलता है कि भाई कौन कौन पढ़ रहा है और आने वाले वीडियो में उनका हम नाम भी लेते हैं। फिर इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा, और अगर तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। इसके पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो टीचर्स अड्डा के, तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मैं आनंद भारत लेता हूं आपसे अब इजाजत। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है, अपने घर में बने रहें। तो फिर जय हिंद, जय भारत।